दोस्तों, एक तरफ कोरोना की वजह से बड़ा ही असमंजस फैला हुआ है कि बालोतरा मेला होगा या नहीं होगा, और दूसरी तरफ एक घोड़ा 3.5 लाख रुपए का बिका बालोतरा मेला 2020 में। जरा देखते हैं उस घोड़े की झलक, और घोड़े के मालिक जिसने उस घोड़े को बेचा उनसे बात करते हैं कि घोड़ा की खासियत क्या है और इनको ये घोड़ा कैसे मिला, उसकी भी एक कहानी है। तो चलिए आनंद लेते हैं 3.5 लाख रुपए के घोड़े का। पहले से। नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुट्टे खां है। मैं राजस्थान में चित्रवाड़ा तहसील का रहने वाला हूँ। कौन सी किस जिले में है? ये जलोर जिले में है साहब। अच्छा, ये घोड़ा सिंधी है, प्योर। छोटा बच्चा मैंने राव साहब मोहन सिंह जी से लिया था, उनकी मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी से मेरे ये घोड़ा अभी बिका है 3.5 लाख में, ठीक है ना? धन्यवाद। कितने महीने का है ये? हुआ है 2.5 साल का। 2.5 साल का अभी 35 चलता है। अच्छा। रेवाल चाल, ठीक है। ओके साहब, धन्यवाद। बस इतना ही, अब तो आप हट जाओ, मेरे को थोड़ा इसका पूरी बॉडी का लेने दो, बाहर तो निकाल नहीं रहो, पूरी बॉडी का ले। रतन है? इसका नाम रतन है। सिंधी प्योर तो नहीं, मिक्स लग रहा है। कहाँ से प्योर सिंधी हो गया? प्योर सिंधी है, कौन सा मत बोलो। तो फिर ये प्योर सिंधी है सामने। हाँ, पीछे से सिंधी लग रहा है। रणजीत का बच्चा है। राव साहब के पास रणजीत था ना? अच्छा, उसी का बच्चा है। मोहन सिंह। मोहन सिंह लिया था। बड़ी उनकी मेहरबानी हुई। और तो कैसे मेहमान हुई, क्या किया आप? मेहमानी बोल रहे हो, कैसे उन्होंने आपको देख लिया? उनके गांव का हूँ, मिरासी। अच्छा, उन्होंने किया एक बच्चा तू ले ले। अच्छा, मुझे दे दिया, मैंने इसको पाला, खिलाया पिलाया। क्यों क्यों दिया? आपसे कैसे खुश हो गए? वो खुश हो गए कि बेचारा गरीब आदमी है। तो आप कैसे उनसे मिल गए? उनका भी है हमारे, उनके भी घोड़ों का बिजनेस है। हाँ है जी साहब, उसके लिए उन्होंने बोला ये बच्चा, एक बच्चा तू ले ले। तो आप उनसे कैसे मिले जब उन्होंने ऐसा बोला? गांव का मालिक है, 84 गांव का। अच्छा, कौन? राव मोहन सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, ठिकाना चितलवाड़ा। ठिकाना बहुत हाई फाई है, नरेश गांव का। सोना नरेश, सोना नरेश ही ठिकाना सोन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।